जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बतानी चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बवंडर हरियाणा में जेजेपी को लगा ये बड़ा झटका। निशांत सिंह का मौखिक तौर पर इस्तीफा, ये बड़ी खबर। जनता टीवी पर बोले निशांत सिंह, 30 साल बाद मन बदला है। मन बदलने के कुछ कारण होते हैं जिसके लिए ये निर्णय लिया गया है। अपने समर्थकों से बातचीत करके आगे की राह जो है वो अख्तियार की जाएगी। भावनाओं के हनन पर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो मुझे लगा कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे थे, इस वजह से ये फैसला लिया। अभी इस्तीफा अधूरा है, अभी मौखिक तौर पर इस्तीफा है। साथियों से परामर्श के बाद अगला निर्णय जल्द लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बवंडर हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा में जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इस लिहाज से निशांत सिंह जो कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा जो है अभी मौखिक तौर पर दिया है और उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही अजय चौटाला से मिलेंगे और पूरी तरीके से जो ऑफिशियल इस्तीफा है वो देंगे। लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव बातचीत लगातार जनता टीवी पर भी आप सुन रहे हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये निर्णय मैंने 30 साल बाद लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया है। अब आगे की राह क्या होगी ये तो साथियों के साथ परामर्श करके ही मैं कुछ बता पाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फैसला है बहुत सोच समझ कर लिया है। ये बातचीत आपने लगातार जनता टीवी पर भी आप सुन पा रहे हैं। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बहुत बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा की राजनीति में जो अभी बवंडर लगातार चल रहा है उस लिहाज से ये जो बड़ी खबर आई है इसके क्या मायने निकाले जाए? निशांत सिंह ने अभी मौखिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण रहे होंगे, क्या सुबगाटे हैं? अभी देखिए, हरियाणा में इस साल विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और इस वक्त देश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। हरियाणा की 10 लोकसभा की जो सीट है उन पर भी छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। लिहाजा अब ये जब चुनावी साल है तो ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल जो है वो लगातार सामने आ रही है। हरियाणा में जो है वो कुछ दिन पहले जो बीजेपी के सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। इसी तरीके से लगातार जो फेरबदल हो रही है, इधर से उधर जाने की जो राजनीतिक जो हलचले हैं वो लगातार हो रही है। अब जननायक जनता पार्टी को जो है वो एक बड़ा झटका जो है वो लगने जा रहा है। जनता टीवी से जो खास बातचीत की है जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने, उन्होंने कहा है कि वो जो है वो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। मौखिक इस्तीफे की बात सामने आ गई है। आधिकारिक इस्तीफे के बाद जो है वो निशांत सिंह जो है वो जल्द जननायक जनता पार्टी को अलविदा कर देंगे और इसके बाद नए घर की तलाश में जो है वो निशांत सिंह नजर आएंगे। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक निशांत सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी का हाथ जो है वो थाम सकते हैं। निशांत सिंह की कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं हैं। तो निश्चित तौर पर जब चुनावी साल है तो दल बदल का सिलसिला जो है वो अब जो शुरू हुआ है वो अगले 6 महीने में हरियाणा में लगातार देखने को मिलेगा। चूंकि अभी लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल बजा हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस तरीके की जो सियासी उठापटक है वो देखने को मिलेगी। और ना केवल निशांत सिंह बल्कि जननायक जनता पार्टी के कई विधायक जो हैं वो भी लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं और वो भी जल्द जो है वो जननायक जनता पार्टी से अलग होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही नारनौल जो क्षेत्र है वहां से जननायक जनता पार्टी के एक महिला नेता है कमलेश, वो भी जो है वो जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहने का मन बना चुकी है। तो जननायक जनता पार्टी के लिए इसलिए ज्यादा बड़ा झटका है क्योंकि उनकी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं निशांत सिंह, वो भी अब पार्टी का दामन छोड़कर जल्द जो है वो अलविदा कहने वाले हैं। जी पवन, लेकिन कई ऐसे नेता होते हैं जब भी चुनाव आते हैं तो एक दल से दूसरे दल जाते हैं, दूसरे दल से तीसरे दल जाते हैं, ये चुनावों से पहले की बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन निशांत सिंह जैसे जो मंझे हुए नेता हैं राजनीति में, वो अपनी कर्मठता के लिए हमेशा जाने जाते हैं। अब 30 साल बाद अगर उन्होंने कोई निर्णय यहां पर ऐसा लिया है तो ये समझा जा सकता है कि वजह बहुत बड़ी होगी। जाहिर है, निश्चित तौर पर जब एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाले हुए जो नेता हैं वो जब पार्टी को अलविदा कहने जा रहे हैं
तो इसकी बड़ी वजह साफ तौर पर यही है कि जननायक जनता पार्टी के एक तरीके से खराब समय की शुरुआत जो है वो मार्च के महीने में हुई थी, जब सरकार से गठबंधन टूटा था। जननायक जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से हरियाणा में गठबंधन के साथ सत्ता में थी, लेकिन जैसे ही सरकार से बाहर आई है इसके बाद लगातार जननायक जनता पार्टी की मुश्किलों का जो दौर है वो एक तरीके से शुरू हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा झटका जो है वो अब पहले बागी विधायक जो हैं वो दे चुके हैं जननायक जनता पार्टी को झटका, और अब जो है वो पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष निशान सिंह हैं जो कई दशक से चौटाला परिवार के साथ, या यूं कहें अजय सिंह चौटाला के साथ उनके जो संबंध थे उनके नाते जो हैं वो उनसे जुड़े हुए थे, और अब जो है वो निशान सिंह ही जननायक जनता पार्टी की चाबी का साथ छोड़कर जो है वो चर्चा के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक जो है वो कांग्रेस के हाथ को थामने की तैयारी में है और मन बना चुके हैं। आधिकारिक तौर पर चीजें सामने आना अभी बाकी है, लेकिन जनता टीवी से खास बातचीत में निशान सिंह ने ये तो साफ कर ही दिया है कि वो जो है वो जननायक जनता पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो वो एक बड़ा झटका है निशान सिंह के रूप में। निशान सिंह जो है वो 30 साल से भी ज्यादा समय से अजय सिंह चौटाला और उनके परिवार से जुड़कर इस पार्टी के साथ राजनीति जो वो कर रहे थे, पहले इंडियन नेशनल लोकदल के साथ थे, जब अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी जननायक जनता पार्टी बनाई तो उनके साथ आए, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, पार्टी ने पहले ही चुनाव में विधानसभा का जो चुनाव था उसमें 10 सीट जीती और सरकार गठबंधन के साथ चलाई। लेकिन अब जब से गठबंधन से सरकार जो है वो सत्ता से जो बाहर हुई है, जननायक जनता पार्टी सरकार से अलग हुई है, इसके बाद से ही लगातार तमाम झटके जो है वो जननायक जनता पार्टी को लगते हुए दिख रहे पवन, क्योंकि निशान सिंह एक ऐसे नेता है, कैसे हरियाणा की राजनीति में ऐसे वरिष्ठ नेता है, खासकर अब अगर इनेलो या जेजेपी दोनों की बात करी जाए तो वहां पर उनकी एक अलग पहचान, एक अलग रुतबा, एक अलग पद जो है वो हमेशा से रहा है यहाँ पर। लेकिन अब जब ये संभावनाएं, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल, संभावनाएं लगाई जा रही है कि निशान सिंह कहां जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस, उनसे सवाल भी पूछा गया हालांकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन सवाल अब यह है कि आगे की राह किस ओर जा सकती है, कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर वो घर वापसी, मेरा संदर्भ उससे है इनेलो से, क्योंकि दरवाजे तो उनके, उन्होंने खुद कहा कि देखिए आप जाइए तो ऐसे जाइए कि दोबारा मिलने पर कुछ पछतावा ना हो, क्या इसके समझे जाए मायने? देखिए जो हमारे पास पुख्ता सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक निशान सिंह जो है वो अब चौटाला परिवार से अलग होकर ही अपनी राजनीति की नई पारी खेलने का मन जो है वो बना चुके हैं। निशान सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हुए दिख सकते हैं, हालांकि अभी ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक तौर पर इस पे मोहर जो है वो लगना बाकी है। इसकी वजह भी है, आपको इसके लिए राजनीतिक जो परिस्थिति है उसको भी समझना होगा। राजनीति में महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी चीज है और बिना महत्वाकांक्षा के कोई दल बदल नहीं होते, बिना महत्वाकांक्षा के कोई इधर उधर नहीं होता। अब एक बड़ी वजह महत्वाकांक्षा ही है इस निशान सिंह के मामले में भी। जननायक जनता पार्टी से अलविदा कहकर उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा इस लिहाज से पुख्ता हो रही है क्योंकि टोहाना विधानसभा जो क्षेत्र है वहां से सुभाष बराला जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो राज्यसभा जा चुके हैं। देवेंद्र सिंह बबली जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से करीबी उनका होना और उनका लगातार बीजेपी के साथ, लगातार उनका मनोहर लाल के साथ खासतौर पर जुड़ा रहना, ये साफ संकेत दे रहा है कि देवेंद्र सिंह बबली जो है वो भाजपा के साथ आधिकारिक तौर पर तो अब नहीं है, जननायक जनता पार्टी के वो विधायक हैं, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि उनकी जो करीबियां लगातार बढ़ रही है वो भाजपा के साथ है। और पिछले 4.5 साल में वो जेजेपी के विधायक होने के बावजूद जिस तरीके से भाजपा के साथ कई मोर्चे पर वो खड़े नजर आए हैं तो उनसे साफ है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस एक बड़ा विकल्प है टोहाना की राजनीति के लिए निशान सिंह के पास। निशान सिंह कांग्रेस में जाकर अपनी अगली जो राजनीतिक पारी है वो वहां से शुरू कर सकते हैं। हालांकि टोहाना में कांग्रेस के पास भी दूसरे बड़े नेता के तौर पर परमवीर सिंह हैं, लेकिन उनकी जो कांग्रेस की, जो हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है और परमवीर सिंह की जो उम्र है, इस तरीके के कई कारण, कई समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिसमें निशान सिंह को जो ज्यादा संभावना है टोहाना क्षेत्र की राजनीति के हिसाब से वो उन्हें कांग्रेस में नजर आ रही है। हालांकि ये तमाम जानकारी राजनीतिक तौर पर है वो वहां की परिस्थितियों के आधार पर है या फिर हमारे सूत्रों के आधार पर है, तो ऐसे में निशान सिंह अब चाबी को अलविदा कहकर कांग्रेस के हाथ से हाथ जो है वो मिला सकते हैं। हालांकि अभी इसके लिए
आधिकारिक तौर पर जो फैसला आएगा या जो चीजें सामने आएगी उसका इंतजार करना होगा, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति राजनीतिक स्थिति टोहाना क्षेत्र की बनती है और इसके साथ ही जो हमारे सूत्र जानकारी दे रही उसके मुताबिक निशांत सिंह कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो निशांत सिंह और जेजेपी में ये बड़ी टूट, लेकिन निशांत सिंह का अगला पड़ाव क्या होगा ये वक्त बताएगा, ऐसा निशांत सिंह का कहना है। तो ये लगातार बड़ी खबर हम आपको बता भी रहे हैं, वो खास बातचीत जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी के साथ निशांत सिंह की, जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ये खास बातचीत एक बार फिर सुनिए आप। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। 2024 का चुनाव चल रहा है और जो सियासी गर्मी है वो अपने उफान पर है। नेताओं का इधर से उधर उधर से उधर जाना लगातार जारी है, लेकिन हरियाणा की राजनीति पे अगर गौर करें तो पिछले कुछ दिनों में या एक डेढ़ महीने के अंदर जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, हरियाणा की राजनीति एक नई करवट लेते जा रही है। पहले जो गठबंधन में सरकार चल रही थी वो टूटी, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो गए, साथ साथ मुख्यमंत्री भी बदल गए, नई कैबिनेट आ गई, अनिल विज साहब जैसे सीनियर मिनिस्टर नहीं रहे और अब ये चर्चा हो रही है कि INLD एक पार्टी जबरदस्त हुआ करती थी, उसके दो फाड़ हुए और कुछ लोग JJP के साथ गए। उनकी बुनियाद रखने में जिन लोगों की अहम भूमिका रही उनमें एक सरदार निशांत सिंह जी एक नाम है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उनको और इस नई पार्टी को खड़ा करने में एक अहम भूमिका रही। लेकिन सुना है कि हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में बड़ा तूफान है आजकल जबरदस्त। सरदार निशांत सिंह जी खुद हैं इस वक्त फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत है निशांत सिंह जी। जी शुक्रिया। ये आजकल हरियाणा की हवाओं में एक अलग फिजा है, एक अलग बवंडर है, सुना उसमें एक नाम आपका भी शामिल हो रहा है। मैं उस रंजन जी फिजा का हिस्सा नहीं हूँ, इधर जाना उधर जाना उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं ये कह दूं कि मैंने 23 मार्च 1994 को इनेलो कह दो लोकदल कह लो ज्वाइन किया था जी। 30 वर्षों के बाद 23 मार्च 2024 को 30 वर्ष हो गए जी। स्टेबल तरीके से चल रहा था मामला और 30 वर्षों के बाद मन बदला है। वो कारण होते हैं, आप जानते हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो जी, उन कारणों को लेके मन बदला है। रिजाइन अभी वर्बली किया है जी। और रिजाइन तो मैं जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर जाके दे के आऊंगा जी। और फर्दर जो निर्णय है वो सभी दोस्तों से, जितने भी परिवार मेंबर हमारे तो परिवार की होते हैं साथी, उन सब से राय लेकर के तो निर्णय करना है। ये मतलब लिखित तौर पे आपको देना है, लेकिन मौखिक तौर पे आपने पार्टी यानी कि JJP को और उनके जो भी कर्ता धर्ता हैं उनको आपने इन्फॉर्म कर दिया है, अलविदा उनको कह दिया है। Yes. तो उधर से भी कोई फेयरवेल पार्टी विदाई समारोह, 30 साल का लंबा एसोसिएशन है आपका, और उससे भी ज्यादा ये कि जब INLD टूटी तो आप JJP के साथ, इन दोनों बच्चों के साथ अभिभावक गार्जियन के तौर पे खड़े रहे, तो कुछ तय हुआ है कि निशांत सिंह जी जा रहे हैं, जैसे हम लोग अपनी मान लीजिए अगर चैनल बदलते हैं तो एक फेयरवेल पार्टी भी होती है, तो वो कुछ हो रहा है कुछ फेयरवेल पार्टी? मैंने वर्बली आगाह कर दिया है हमारी लीडरशिप को जी, और मैंने बताया ना कि रिटर्न में जो मेरा फर्ज बनता है मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मिल करके रिजाइन दे करके आऊंगा पर फर्दर जो डिसीजन है जी वो सभी भाईचारा जो मित्र हैं हमारे राजनीतिक साथी हैं उनसे मिल करके बैठ करके। ये 30 साल में अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा है कि आपने तो बच्चों को, दुष्यंत हो दिग्विजय हो, उनके पिताजी तब अंदर थे, ठीक है जब पार्टी टूटी तो तब वो आ गए थे बाहर, आपने तो इनको ग्रूम किया है, इनको बड़ा किया है आपने। नहीं वो ठीक है बड़ा किया है, लेकिन कई बार आप जिन आशाओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो वहां बीच में कहीं ना कहीं रुकावट को ब्रेकर आ जाता है, उस ब्रेकर की वजह से आज
कि अलग होने का निर्णय जो बहुत दुखद मानते हैं हम, वो निर्णय करना पड़ा, तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये एक मजबूरी होती है। जब आपको ये लगे कि मेरी भावनाओं का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, तो फिर आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन बच्चों को आपने तैयार किया, हालांकि ठीक है उनमें भी अपनी अपना पोटेंशियल था लेकिन योगदान आपका भी रहा, कहीं वो बच्चे इतने बड़े तो नहीं हो गए कि घर के बुजुर्गों के लिए शायद कमरा छोटा पड़ने लगा हो? कमरा मैं रंजन जी ये बात नहीं कहूंगा कि उनके मन में क्या है, उनको क्या लगता है, लेकिन मुझे लगा कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे जी। तो अगर ऐसा लगता है तो फिर आप सही दिशा में नहीं जा रहे से तात्पर्य आपका? बस अब इससे ज्यादा तो मैंने आपको कहा ना कि मैं तो अभी रेजिग्नेशन भी मेरा अधूरा है, मैंने दिया नहीं। उसके बाद फिर आपसे मिल करके बैठ करके पूरी चर्चा करेंगे, चर्चा में चाय हो जाएगी आपसे बैठ कर। एकदम एकदम सर, चाय कॉफी मैं तो मतलब आपके यहाँ भोजन पे भी चर्चा करने का तैयार रहूंगा। ठीक है, आपने ये मन बना लिया कि आपने अलविदा कह दिया, मन बना लिया, मैं आपको बड़ा सीरियसली लेता हूँ और कुछ लोग हैं जिनको बहुत गंभीरता से लेता हूँ, उनमें आप भी हैं। अब जो हरियाणा की राजनीति को तो आप बहुत करीब से देखते रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपके स्टेटमेंट आप बड़ा गंभीरता से बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। मुझे याद नहीं है कि आपने जब से मैं हरियाणा कवर कर रहा हूं कि आपका कोई स्टेटमेंट आया हो जिसपे कंट्रोवर्सी हो गई हो, इतना संभल संभल के विथ मेच्योरिटी बोलते हैं। हरियाणा की कई बार तो मैं ये सोचता हूं कि आपको तो पॉलिटिकल एनालिस्ट होना चाहिए। बहरहाल, ये हरियाणा में कई पार्टियां हैं, बीजेपी का यहाँ भी है, आप तो सत्ता में भी साथ रहे, केंद्र में भी है, एक कांग्रेस पहले थी अभी भी चुनाव लड़ रही है, एक आम आदमी पार्टी आ गई। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे, क्योंकि आपने इस्तीफा मौखिक दे दिया, लिखित देना है, किसी दूसरी पार्टी में अभी आप गए नहीं है, तो मैं तो आपको अपनी बिरादरी वाले उतने दिन मान लेता हूं जितने दिन आप किसी घर में जाते नहीं है। बीजेपी के को कैसे आप एनालाइज करते हैं? देखिए, मैं हमारा तो जो सिद्धांत है जी, वो सबसे बड़ा धर्म होता है जी। तो मेरा धर्म ये कहता है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, बस इसी में सारी चीजें आ जाएंगी। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई जी। मैं उन पॉलिटिशियन की तरह की किसी पार्टी को छोड़ करके खूब गाड़ियां बगे दूसरे की सहानुभूति लेकर के कहीं जाना होता है, वो आपने तो पहले मुझे प्रमाण पत्र दे दिया, मैं उस जल्दबाजी वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे, मैं तो गवर्नमेंट का गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी एक बात और कह दूं आपको जी, कि हमारा वही धर्म ये कहता है कि सज्जन छड़िए रंग स्यों। आप ये पंजाबी है, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी, बोर्ड भी आवे कम, मतलब मित्र को जब छोड़ते हैं तो मित्रता के भाव से ही छोड़िए, ताकि फिर भी कभी मिले तो शर्मिंदा ना हो। ये मेरा धर्म कहता है, तो मैं उसकी पालना करता हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है कि आपकी नजदीकियां या आपकी नजर में शायद कांग्रेस ज्यादा सुटेबल होगा, तो मैं तो इस लिहाज से भी पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस वो ऐसा है, ये ठीक है कि आप अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, सोशल मीडिया इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गया, इतना ज्यादा जल्दबाजी करने लग गया कि मेरी भावनाएं एक ज्योतिषी की तरह पता नहीं कहां से उनके उसमें आ जाती हैं। मैंने बताया ना कि अभी तक तो विधिवत रिजाइन नहीं किया, मौखिक तौर पे किया है, और नेक्स्ट जो निर्णय है वो साथियों की राय के बिना। वो मैं समझ गया कि साथियों से विचार विमर्श करेंगे, वो ठीक है, लेकिन जब हम चुनाव में हैं, 2024 का ये माहौल है, हम चुनाव में हैं, हमारे पास आप घर तो नहीं बैठेंगे, ये तो आपने जाहिर कर दिया कि अपने साथियों से बात करेंगे और फिर आपके अनुभवों का फायदा कांग्रेस को मिले, बीजेपी को मिले, आम आदमी पार्टी जिसको भी मिले, बीएसपी को मिले, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो आप तय करेंगे। मैं तो ये समझना चाहता हूं कि चूंकि ये राजनीतिक माहौल है, अभी आपने मौके का इस्तीफा दिया है, कागजी तौर पे दिया नहीं है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए,
तो मैं तो आपको पॉलिटिकल जर्नलिस्ट वाले मतलब खेमे में ला कर करके आपसे ही मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस देश के लिए कांग्रेस बेहतर है, बीजेपी बेहतर है, बीएसपी बेहतर है, आम आदमी पार्टी बेहतर है, मतलब हरियाणा के संदर्भ में बात करें INLD बेहतर है। कई लोगों की आजकल सुना INLD में घर वापसी हो रही है। जो मजे हुए जर्नलिस्ट होते हैं ना शशि रंजन जैसे, वो दाएं से बाएं से आगे से पीछे से कुछ ना कुछ उगड़वा लेते हैं। ना तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये अधिकार मेरे साथियों का है कि किसको अच्छा मानेंगे। वैसे तो मैंने कह दिया मेरा सिद्धांत ये कहता है, मेरा सिद्धांत नहीं मेरे धर्म का सिद्धांत। अगर किसी को अच्छा कहने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को हमने बुरा कहा। हाँ ये नहीं होता कि दूसरे को बुरा कहा। तो वो निर्णय अगर दोस्तों का हक छीनूं मैं तो मेरा ख्याल वो अच्छी बात नहीं। वो निर्णय उनके मुंह से आए तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए जो सोशल मीडिया पे चर्चा है कि आप कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है। यार मैंने बताया कि सोशल मीडिया अपने मन से पता नहीं क्या क्या लिख देता है, क्या क्या कह देता है। और वो शायद मुझे, मैं उसके बारे में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगला निर्णय दोस्तों के जिम्मे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।